गत दिन यूपी के हाथरस में एक लड़की के साथ हुए दुराचार व उसकी मौत के बाद उसके परिवार को बिना पूछे उसका संस्कार कर देना, इससे पूरे देश में तहलका मचा है। पर यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार अभी तक दोषियों पर कार्रवाई करने में नाकाम हुई है और उल्टा जब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है तो योगी सरकार यहाँ धक्केशाही पर उतर आई है। वहीं मीडिया की आवाज भी दबाने में लग गई व वहां पर कवरेज कर रहे पत्रकारों पर भी इस मामले को कवरेज करने के लिए रोकने लगी है। यही नहीं, उधर योगी सरकार व उसका प्रशासन अब राजनीतिक पार्टियों पर भी धक्के मुक्की करने लगी है। इसी बात के चलते अब देश में हालत भी बिगड़ रही है व लोग अपनी बच्चियों की जान को महफूज नहीं समझ रहे। इन्हीं सारी बातों के चलते लोगों में यूपी की योगी सरकार के प्रति रोष पाया जा रहा है। बता दें कि आज पठानकोट में भी इस बात को लेकर रोष पाया जा रहा है व लोगों ने योगी सरकार को कोसते हुए कहा कि योगी सरकार बिल्कुल नाकाम सरकार है। उन्होंने कहा कि आए दिन यूपी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और यह यूपी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि ऐसे दरिंदों को बीच चौराहे पर पत्थरों से मार देना चाहिए। उधर भोआ हल्के के विधायक जोगिंदर पाल ने भी रोष जाहिर करते हुए कहा कि योगी सरकार इंसाफ तो क्या, अब देश के चौथे स्तंभ जानी पत्रकारों को भी सच्चाई पर कवरेज करने पर रोकने लगी है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। उधर राहुल गांधी के साथ हुई धक्का मुक्की पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह योगी सरकार का निंदनीय काम है और इसे कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी व मौका आने पर इसका जवाब भी देगी। नेशनल 18 के लिए पठानकोट से कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण गल चल रही है, जिड़ी यूपी दे विच हाथरस पिंड दे विच कुड़ी नाल रेप होया और कुड़ी जिसले थोड़ी बहुत होश दे विच सी वो अपने बयान दे के गई है भी मेरे नाल चार लड़कियां ने रेप किया और उदे तो बाद उदी जो डैथ हो जाती है तो फिर उत्थों की पुलिस जिहड़ी है रात नू वो लड़की का शव लिया के तो उदा संस्कार किते जांदा, जबकि ना कुड़ी दे माँ प्यो नू उदी शकल दिखण दिंदे है तो ना उदे बारे कोई इस तरह का कोई सिस्टम सी। तो मैं रात टी वी देखता पे, मैं बड़ा एक बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि एको चीज़ है जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया स्वतंत्र है, वो जिथे मर्जी जाए वो खबर ला सकती है। और मैं रात देखता पाया वो लड़की एक प्रेस रिपोर्टर सी उत्थे इन्नी ज़्यादा पुलिस लगी हुई ही, उस कुड़ी ने जबरदस्ती करके पुलिस वाले उन्होंने गांह नहीं जान देन दे। तो मेरी तुहाडी केवल राय, मेरी वाइट कोई भी जड़ा प्रेस इलैक्ट्रॉनिक मीडिया जां प्रेस मीडिया सुनता है, मेरी उन्होंने अगे प्रार्थना या बेनती है तुसी सारे इकट्ठे हो के ते एक जमीर नू कैम करके जे एक प्रेस रिपोर्टर नाल इस तरह की बदतमीजी की गई है, एक नाल ही की गई, दो नाल की गई, आज तक का जिहड़ा उहदे नाल भी की गई है, ये ABP न्यूज़ वाले ने की गई है, वो नैशनल चैनल वाले नाल की गई है, जबकि उन्होंने गलों के उन्होंने अपने आइडेंटिटी कार्ड पे भी से तो उन्होंने बिल्कुल नहीं जान दिता गया। तो मेरी प्रार्थना है ये जड़ा यूपी का आदित्यनाथ योगी अपने आप में योगी कहता लाल भगवे कपड़े पाए दे है और ये भगवे कपड़िया के उत्ते दाग लगता जा रहा है। तो मैं तो चाहना भी जो तू साधु है तो तेनों रिजाइन देना चाहिए, तेरे यूपी दे विच तेरी स्टेट दे विच चार पांच लड़कियों के नाल रेप होया तो तेनों कोई हक नहीं सत्ता च रहिंदा। और एक स्वतंत्र इको चीज़ है जिहड़ी, वैसे सारा देश ही स्वतंत्र है पर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तो प्रिंट मीडिया जिहड़ा ये स्वतंत्र है तो उन्होंने धक्का किया गया। तो मेरी सारे ही प्रेस अगे बेनती है तुसी सारे इकट्ठे हो के और एक आवाज़ बुलंद करके सारे चैनलों से BJP का बाइकाट करो और BJP के बिल्कुल खिलाफ चलो, इन्हों का पाप का घड़ा भरया गया, हुण मैनूं लगता भी घड़ा टुटेगा, उन दा बेड़ा गर्क होएगा। देखो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण गल है, जिहड़ा साडी कांग्रेस पार्टी का मोढ़ी है राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी दोनों भैन भरा जा रहे थे, उन्होंने रस्ते विच रोक के उन्होंने भी धक्के मारे, जिहड़े एक देश के प्रति जिन्हां लोकां ने अपने देश वास्ते कुर्बानियां दी, इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, फिर संजय गांधी ने कुर्बानी दी, उन्होंने जिहड़े रहिवर ने अपनी पार्टी के
उन्होंने भी धक्के दे के राहुल गांधी ने थले सुटे गया। बहुत मन भागी गल है, मैं बिल्कुल निखेधी करता इस गल की, तो बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए। और जिथे जिथे भी मैं तो कहना भी नरेंद्र मोदी जिहड़ा देश दे विच राज कर रहा, राज नहीं कर रहा, ये एक किस्म की गुंडागर्दी हो रही है। लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, राजनीति लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया भी उन्होंने आवाज़ दबाई जा रही है। ये हूँ इन्हों का पाप का घड़ा भरे गया, ये आवाज़ दबानी नहीं।